बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता कैसरोल, और इसके 3 स्टेप होते हैं। एक में हमने कीमा कुक करना है, दूसरे में हमने सॉस बनाना है, और तीसरे में हमने इसको बेक करना है। अभी मैं आपको सिर्फ कीमे का बता रही हूँ। कीमे में मैंने 1/2 kg ले लिया है मटन कीमा, 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 मैंने प्याज लिया है, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ले ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है, और साथ में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट, और साथ में मैंने लिया है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। चलें जी स्टार्ट करते हैं। एक कप मैंने इसमें पानी डाला है और इसको 5 मिनट मैं स्टीम दूंगी। जब तक इसको स्टीम आती है, हम सॉस बनाने की तरफ चलते हैं। सॉस बनाने के लिए मुझे चाहिए 1/2 गाजर और 1/2 ही शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 टमाटर। इन सबको मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे मैंने टमाटर डाला है। अब ये डालेंगे गाजर, इसमें सबको कर लेंगे ब्लेंड। स्टीम के बाद कीमे को हम कुक कर लेते हैं। मिर्च ऐड करती हूँ, वन टीस्पून इसमें शुगर जाएगी, यहाँ पे इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट, अब यहाँ पे इसमें मैं शिमला मिर्च को ऐड कर दूँगी कीमे में। शिमला मिर्च को हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना है इसको। कीमा हमारा तैयार हो गया है, अब हम सॉस को रेडी कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं सॉस। उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून लिया है ऑयल। इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, यहाँ में मैं इसमें टमाटो पेस्ट डालूंगी 4 टेबलस्पून। इसको थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी, पकाने के बाद फिर इसमें मैंने जो ब्लेंड किया हुआ है वो डाल दूंगी सारा सॉस। पंद्रह मिनट में ये सॉस रेडी होगा, 15 मिनट तक इसको कुक करना है हमने। अब यहाँ पे मैं नमक और तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून दोनों, चीनी और सोया सॉस 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने सोया सॉस, और 1 टीस्पून ली है चीनी। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी रेड चिली सॉस और टमाटो और गार्लिक सॉस, इसमें 1 टेबलस्पून। अब यहाँ पे मैं सॉस इसमें डाल दूँगी, कॉर्न को ऐड करूँगी। पंद्रह मिनट मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया 190 पे। अब इसको मैं 15 मिनट बेक करूँगी 190 पे। जी जनाब, हमारा पिज़्ज़ा पास्ता कैसेरोल रेडी है। इसी रेसिपी को फॉलो करके ट्राई करिएगा, फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ जी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।